भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक ने हाल ही में कहा था कि अगर वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे। सुनक ने चीन को डोमेस्टिक और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बताया था। अब इस मामले पर चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल 25 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान से सुनक के बयान से जुड़ा सवाल पूछा गया था। इस पर लिजियान ने कहा, मैं यूके की कंजर्वेटिव पार्टी लीडरशिप इलेक्शन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, जो यूके का अंदरूनी मामला है। मैं कुछ ब्रिटिश नेताओं को इतना साफ बताना चाहता हूं कि तथाकथित चीनी खतरे की हवा बनाकर चीन के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देने से किसी की खुद की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपको बता दें कि चीन को लेकर सुनक का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब पीएम पद की रेस में उनकी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस ने सुनक पर चीन और रूस को लेकर नरम होने का आरोप लगाया। सुनक ने अपने बयान में चीन पर ब्रिटिश तकनीक को चुराने और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में अपनी पहुंच बढ़ाने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने चीन पर बेल्ट एंड रोड स्कीम के जरिए विकासशील देशों को कर्ज के जाल में ढकेलने का भी आरोप लगाया था। इसके अलावा सुनक ने चीन पर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर शिनजियांग और हांगकांग में लोगों का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया था।